निर्गमन अध्याय सात। निर्गमन अध्याय सात। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दू वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इसराइलियों को अपने देश से निकल जाने दे, और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखाऊंगा, तो भी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इसराइली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इसराइलियों को उनके बीच से निकाल दूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया, और जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे, तब मूसा तो 80 वर्ष का और हारून 83 वर्ष का था। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा कि जब फिरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया, तब वह अजगर बन गया। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने मंत्र तंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया, और वे भी अजगर बन गए, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है, और वह प्रजा को जाने नहीं देता, इसलिए बिहान को फिरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर जाएगा, और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना, और उससे इस प्रकार कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यो कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा, और जल लोहू बन जाएगा, और जो मछलियां नील नदी में हैं, वे मर जाएगी, और नील नदी बसाने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी न चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है अर्थात उनकी नदियां, नहरें, झीले, पोखरे सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लोहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में लोहू ही लोहू हो जाएगा। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा ही के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लोहू बन गया, और नील नदी में जो मछलियां थी वे सब मर गई, और नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके, और सारे मिस्र देश में लोहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने मंत्र तंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया, और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की न मानी। फिरौन ने
इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर में चला गया और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे और जब यहोवा ने नील नदी को मारा था तब से 7 दिन हो चुके थे।